मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले कांग्रेस के दर्द का विश्लेषण करना है। ये दर्द उसके ही लाए कानून की मार का है और इसीलिए शायद महसूस ज्यादा हो रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी का तीसरी बार ईडी के सवालों से सामना हुआ। इधर सोनिया ईडी के सवालों का जवाब दे रही थी, उधर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ देश भर में सड़क पर उतरी हुई थी। आज तो कांग्रेस का नाराज G23 जो गुट है वो भी सोनिया के लिए मैदान में आ गया। तो इस तरह आला कमान के लिए एकजुट पूरी की पूरी कांग्रेस नजर आई, क्योंकि कांग्रेस को भी शायद एहसास है कि लड़ाई गंभीर है, लंबी है, इसीलिए वो सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि संसद तक में ये लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ईडी को जो अधिकार दिए थे उन्हीं अधिकार को आज की तारीख में वो चुनौती के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस की इस 360 डिग्री लड़ाई का पूरा विश्लेषण आज हमारी रिपोर्ट में होगा, लेकिन पहले सड़क से सदन तक कांग्रेस की लड़ाई कैसे आज हुई देखिए। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो सांसद और नेता हैं, उनको निकाला जा रहा है। कांग्रेस कहे सत्याग्रह, हम लोग सत्याग्रह करेंगे। बीजेपी बताए असत्य आग्रह, ये असत्य के लिए आग्रह है। सत्याग्रह और असत्य का आग्रह, कांग्रेस और बीजेपी की ये लड़ाई है सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर। आज भी सोनिया जब तीसरी बार ईडी के सवालों का जवाब दे रही थी तो कांग्रेस अपने उसी अंदाज में सड़क पर संग्राम छेड़े हुई थी। तमाम सांसद जो कुछ देर पहले हमको यहाँ पर विजय चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, अब जैसे उन्होंने मार्च का ऐलान किया उसके बाद में उनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये जो गाड़ी है इसमें गौरव गोगोई समेत जो तमाम सांसद नजर आ रहे हैं, जो पीछे की एक और गाड़ी है इसमें भी जो कांग्रेस के जो तमाम सांसद और जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ से लेकर के निकलने की जो तैयारी हो रही है। तीन बसेस निकल गई हैं, तो फिलहाल कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं वो उनको यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। सोनिया से ईडी के सवालों पर बौखलाई कांग्रेस ने दिल्ली ही नहीं पूरे देश में हंगामा किया। मुंबई में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे को निशाना बनाया। बोरीवली स्टेशन के पास ट्रेन रोककर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस फौरन एक्शन में आई और रेलवे ट्रैक को खाली कराया गया। यूपी के कानपुर में जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने नारेबाजी की। लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। सोनिया से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का कोहराम पूरे देश में इसी तरह दिखा। ईडी के एक्शन से कांग्रेस किस कदर परेशान है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस का असंतुष्ट धड़ा G23 भी लंबे वक्त के बाद पार्टी के लिए खड़ा नजर आया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने तो जंग की मिसाल तक दे डाली, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं की। पहले जमाने में जंगें होती थी, खुले मैदान, लेकिन दोनों तरफ से जंग लड़ने वालों को बादशाह की तरफ से हिदायत होती है, औरत पर हाथ नहीं उठाना और बीमार पर हाथ नहीं उठाना। लिहाजा मैं सरकार से भी और ईडी से भी निवेदन करूंगा, इस हालत में मिसेस गांधी को इतनी बार बार ईडी के सामने, एजेंसीज के सामने बुलाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है, लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सिर्फ परिवार और हमले तक ही नहीं रुकी। कांग्रेस ने ईडी को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने सोनिया और राहुल पर तंज कसा। विषय गंभीर विषय है, इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले भी इस पे अपना चिंताएं व्यक्त की हैं। कोई भी कानून एक व्यवस्था समाज में बनाने के लिए उसके लिए होते हैं। प्रजातंत्र में कानून हथियार नहीं बनता। महारानी और युवराजा को
जो रेगुलर तरीके से इंक्वायरी हो रहा है, हम इंक्वायरी नहीं फेस करना चाहते हैं, ये क्या तरीका है? नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी ने तीसरे राउंड की पूछताछ की है। सोनिया गांधी से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ 21 जुलाई को, जब ईडी ने उनसे 3 घंटे पूछताछ की। फिर 26 जुलाई को सोनिया गांधी से 6 घंटे तक ईडी के सवालों का सिलसिला चला और फिर 27 जुलाई को 3 घंटे। इस तरह सोनिया से ईडी 11 घंटे पूछताछ कर चुकी है। तीसरे दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने फिलहाल सोनिया गांधी को कोई नया समन नहीं दिया है। इन 3 दिनों की पूछताछ में सोनिया गांधी से लगभग वही सवाल पूछे गए जो कुछ दिनों पहले राहुल गांधी से पूछे गए थे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने भी लगभग वही जवाब दिया जो राहुल गांधी ने जांच एजेंसियों को बताए थे। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया से एसोसिएट जर्नल को दिए लोन और यंग इंडिया में साझेदारी को लेकर सवाल किए गए। पहला सवाल तो यही था कि AJL को 90 करोड़ देने का फैसला किस बैठक में लिया गया और क्या आप उस बैठक में मौजूद थी? 90 करोड़ की रकम पार्टी के चंदे से दी गई? AJL के शेयर्स किस तरह बेचे गए? ईडी ने सोनिया से पूछा कि यंग इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करती है और क्या यंग इंडिया ने 90 करोड़ का ट्रांसफर लोन चुकाया? अगर चुकाया तो उससे जुड़े दस्तावेज कहाँ हैं? ईडी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने भी राहुल की तरह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर मोतीलाल वोहरा का नाम लिया। सोनिया ने ईडी को बताया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गठन ऐसे कानून के तहत हुआ है जिसमें मुनाफा शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच नहीं बांटा जा सकता और यंग इंडिया के किसी भी डायरेक्टर को आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। ईडी और सोनिया के इन्हीं सवाल जवाब को लेकर कांग्रेस बिफर गई है। वो सिर्फ बीजेपी पर ही हमलावर नहीं है बल्कि ईडी पर भी भड़क उठी है। ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। सरकारें गिराने का काम तो कर सकती ईडी, पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। पिछले कुछ समय से सरकार पर लगातार ईडी के दुरुपयोग का इल्जाम लग रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया लेकिन अदालत ने ईडी की शक्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो सरकार का जो स्टैंड हो या एक्ट का जो प्रोविजन है उसको वैलिडेट किया है, तो वो तो हम लोग को ये कहना होगा कि जो कोर्ट ने कहा है अच्छा निर्णय दिया है। वी आर कोऑपरेटिंग विद द एजेंसीज इन फुल हार्टेडली, बट व्हेन दिस एजेंसी इज मिसयूजिंग फॉर पॉलिटिकल वेंडेटा, this agency is using misusing for political advantage, it is the duty of the court to examine to evaluate the actions of this agencies also। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ईडी को शक्तियां देने वाले जिस पीएमएलए एक्ट को चुनौती दे रही है उसे यूपीए की सरकार ही लाई थी। हालांकि इस कानून को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 में बनाया गया था लेकिन इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2005 को जब पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियाँ दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।